ए मैन ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए प्लांक ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल कैप्ट इनिशियली कैप्टनिशियली रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शन लेस हॉर्जिटल सरफेस ठीक है डायग्राम बनाएंगे सिचुएशन ये है कि एक हॉर्जिटल स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर आपने एक प्लांक रखा है जिसका मास कैपिटल एम है लेंथ एल है इसका मास है आपका कैपिटल एम और लेंथ कितनी है एल और एक पर्सन है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से उसने चलना शुरू कर दिया है इसका मास स्मॉल हैम है और ये आगे चलना इसने शुरू कर दिया है तो अगर ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है तो पर्सन जब आगे चलेगा आगे बढ़ेगा तो प्लान कहाँ जाएगा पीछे और इनका जो सेंटर ऑफ कम्बाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं भी मूव नहीं करेगा ठीक अभी कह रहे हैं कि पर्सन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में टी टाइम लगा रहा है तो आपको प्लान की स्पीड बतानी है द स्पीड ऑफ प्लान रिलेटिव टू द ग्राउंड जब पर्सन मूव कर रहा होगा तो प्लान की स्पीड बतानी है ठीक है तो पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लान क्या होगी उसको मैं अगर वी कहता हूँ यू कह देता हूं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू प्लांग्रेवल करी टी टाइम में तो वो हो जाएगी एल अपॉन टी ये प्लांग के रिस्पेक्ट में होगी और इसकी वजह से वेलोसिटी से पीछे चलना शुरू कर दिया तो मुझे आप बताओ वेलोसिटी ऑफ प्लांक कितनी है तो वेलोसिटी ऑफ प्लांक है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो मैंने मानी है माइनस वी कितनी मानी है मैंने माइनस वी और अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये प्लान बन जाएगा इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और वो हो जाएगी आपकी एल अपॉन टी माइनस वी ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हमने इसलिए निकाली है कि अगर सिस्टम का कोई हिस्सा v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है तो दूसरा हिस्सा v2 वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, जाता हुआ है और उसमें जो रिलेशन बनता है एम वन वी वन एम टू वी तो उसमें जो v1 और v2 वेलोसिटीज होती हैं वो दोनों अर्थ के रिस्पेक्ट में होती हैं तो ये जो पर्सन है ये कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है एम वन वी वन इजक्वल टू प्लंग कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा एम टू वी टू ठीक तो ये जो वी वन और वी टू है वो किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए अर्थ के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपने निकाल ली एल अपॉन टी माइनस वी ये होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्लान की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में है वी बैकवर्ड डायरेक्शन में तो अब हम इक्वेशन लगा रहे हैं सेंटर ऑफ मास अगर आपका रेस्ट में है तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू एम वन पर्सन का मास है और उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो वो है एल अपॉन टी माइनस वी इजक्वल टू प्लान का मास कितना है कैपिटल एम और उसकी वेलोसिटी जो पीछे की तरफ है वो है वी और हमें ये वी फाइंड करना है कितना होगा तो वी जो आएगा वो आ जाएगा एम टाइम्स एल बाई टी और ये इधर आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम टाइम्स वी तो अगर वी आपको निकालना होगा तो इसको यहां लाके डिवाइड कर देते हैं स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम से तो ये आपका आंसर बन जाएगा सो योर आंसर इज स्मॉल एम एल अपॉन टी टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम सो योर आंसर इज बी पार्ट क्लियर एट हाई एल्टीट्यूड ए बॉडी एट रेस एक्सप्लोर्ड इन टू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स विद वन फ्रेगमेंट रिसीविंग हॉरिजिटल वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड किसी हाइट पे एक बॉडी है रेस्ट में है और अचानक से वो एक्सप्लोर कर जाती है दो हिस्सों में टूट जा रही है इक्वल फ्रेगमेंट्स यानी मासेस बराबर हैं और एक को वेलोसिटी ऑरिजिनल मिली है टेन मीटर पर सेकेंड तो दूसरे को भी कितनी मिली होगी टेन मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि मासेज सेम है टाइम टेकन बाय द वेलोसिटी वैक्टर ऑफ द फ्रेगमेंट टू मेक एंगल नाइन्टी डिग्री तो जरा समझिए क्या सिचुएशन है सिचुएशन ये है जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है किसी हाइट पर अचानक से दो पार्ट्स में वो ब्रेक हो जा रही है मास बराबर तो वेलोसिटी भी बराबर मिलेगी ठीक अगर इसको मिली है टेन मीटर पर सेकेंड तो इसको भी इधर कितनी मिली होगी टेन मीटर पर सेकेंड क्योंकि मासेस क्या है बराबर है ठीक अभी पूछ रहे हैं कि अंडर ग्रेविटी ग्रेविटी तो नीचे लगी रही होगी तो इसका मोशन इस तरह से होगा इसका मोशन भी इस तरह से होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो कितनी देर के बाद दोनों पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रही हैं मान लिया इसकी फाइनल वेलोसिटी हो मान लिया टी टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वेक्टर वी वन और इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वेक्टर वी टू तो पूछ रहे हैं कितने टाइम के बाद ये जो वी वन और वी टू होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे मतलब इनको पीछे रिट्रेस करेंगे तो इनकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो कितना एंगल बनाएंगे आपस में नाइन्टी डिग्री तो दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर है तो 99 परसेंट केसेज में डॉट प्रोडक्ट जीरो करना होता है अगर वी वन और वी टू परपेंडिकुलर हैं तो सीधी सी बात यह होगी वी वन और वी टू का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा जीरो अब वी वन ऑफ वी टू निकालेंगे कैसे वो समझिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये वाली डायरेक्शन हम मान रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये मान रहे हैं हम पॉजिटिव आई एक्सिस और फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं वी इजल टू यू प्लस एटी तो पहले वाला अगर वी वन वैलोसिटी निकालेंगे टी टाइम के बाद तो वो हो जाएगी आपकी टेन आई कैप माइनस जी की वैल्यू भी टेन है तो माइनस टेन जे कैप इंटू टी पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए इक्वेशन क्या होगी ये है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए यू कितना है तो इसका यू है आपका टेन आई कैप प्लस टेन आई कैप इसलिए लिखा है क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी नीचे है इसलिए मैंने लिखा है माइनस टेन कैप इंटू तो ये आ गई पहले वाले की वेलोसिटी यानी टेन आई कैप माइनस टेन टी कैप ठीक अब दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी उसके लिए वही फार्मूला यू प्लस ए लेकिन उसका यू जो है वो माइनस टेन आई कैप है तो वो है माइनस टेन आई कैप माइनस जी टी तो सेम ही रहेगा तो माइनस टेन टी जे कैप और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो वी वन डॉट वी टू क्या होना चाहिए जीरो तो जरा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस हंड्रेड और जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस हंड्रेड टी स्क्वायर Zero, तो यहां से टाइम जो आपका आ रहा है वो एक सेकंड आ रहा है सेकंड के बाद वन सेकंड के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटीज जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर हो जाएंगी क्लियर सो योर आंसर इज डी पार्ट कई बार लोग इस क्वेश्चन का जनरल एक्सप्रेशन भी याद कर लेते हैं जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है मैं समझाता हूं आपको कि अगर मान लिया ये अनइक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुए होते तो एक की वेलोसिटी अगर होती है वी वन और दूसरे की वेलोसिटी होती वी टू तो जो टाइम जितनी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वो आता है अंडर रूट वी वन वी टू अपॉन जी और शायद अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो यहाँ टू भी आता है ठीक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको निकालना कि ये सही है कि गलत है देखिए पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी वन आई कैप माइनस जी टी जे कैप और दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी माइनस वी टू आई कैप माइनस जी टी जे कैप और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जीरो तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब हम करके जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वी वन वी टू प्लस जी टी जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से जो टाइम आ रहा है वो आ जाएगा अंडर वुड वी वन वी टू अपॉन जी तो आप चाहो तो इसको फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो टू नहीं आएगा ठीक है टू नहीं आएगा सिर्फ इतना होगा अंडर वुड वी वन वी टू अपॉन जी क्लियर अगर ये मासेज अन इक्वल मासेज में ब्रेक हुआ होता तो हम इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं कितनी देर के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर था डी पार्ट पार्टिकल से इसको हम स्लाइड करा रहे हैं और ये बी है इसका भी मास मास टू एम इसका मास टू एम है ठीक है, है तो सबसे पहले ये क्या कर रहा, है? ये को कर रहा है और उसके साथ स्टिक हो जा रहा है यानी ये कोलिजन हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन फिर जब ये दोनों एक साथ हो जा रहे हैं तब ये आगे जाके सी को हिट कर रहे हैं और सी के साथ जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है ठीक है ये, ये समझ में आ रहा है आपको यानी यहाँ पे ए और बी के बीच में जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है और जब ये ए और बी मिल सिंगल पार्टिकल बन जाएंगे तब ये सी के साथ जब कोलिजन है तो फिर वो इलास्टिक कोलिजन है तो आपसे ये पूछ रहे हैं द स्पीड ऑफ पार्टिकल सी आफ्टर द कोलिजन विद कंबाइंड बॉडी ए प्लस बी ए प्लस बी कंबाइंड बॉडी जब सी को हिट करेगी तो सी की फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है ठीक तो कैसे करेंगे वो समझिए स्टेप बाई स्टेप करेंगे सबसे पहले ये बताइए एक जब ए इसको हिट करेगा तो ए की वेलोसिटी क्या होगी तो ये अगर एच हाइट से स्मूथ सरफेस से आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू जी एच एंड दैट इज इक्वल टू टू जी की वैल्यू टेन और एच है आपका वन पॉइंट टू फाइव तो ये आपका आ जाएगा पच्चीस यानी वेलोसिटी होगी पांच मीटर पर सेकेंड अब हम ए और बी का अगर कोलिजन सेट करेंगे तो एम इन टू वी प्लस जीरो इजिक्वल टू जब दोनों मिल जाएंगे तो मास हो जाएगा टू एम और इनकी नई वेलोसिटी हो जाएगी वीडैश तो यहाँ से जो वी डैश आ रहा है वो वी बाई टू आ रहा है यानी ए और बी की कंबाइंड वेलोसिटी आएगी टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ए और बी दोनों का मास टू एम है और इनकी वेलोसिटी है टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड और ये जो सी है उसका अकेले का मास भी टू एम है और ये रेस्ट में है और इनके बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक है तो ये तो बहुत ही स्पेशल केस हो गया कि जब मासेज बराबर होते हैं और कुलीजन इलास्टिक होता है तो वेलोसिटीज तो इंटरचेंज हो जाती हैं इंटरचेंज होने का मतलब ये है कि टकराने के बाद ए प्लस बी वाला जो सिस्टम है जिसका मास टू एम है वो तो आ जाएगा रेस्ट में और ये जो सी वाला सिस्टम है उसका भी मास टू एम है ये टू पॉइंट फाइव की स्पीड से आगे चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी सो योर आंसर इज़ सी पा बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें एक पेंडोम पेंडुलम है एम मास का पेंडुलम है वुडन पेंडुलम है एम मास का और ए लेंथ से आपने इसको हैंग करके रखा हुआ है ए बुलेट है जिसका मास एम वन है और ये वी वन की स्पीड से आ रही है और जब वो पेंडुलम में घुस जाती है और वहां से जब इमर्ज करती है तब उसकी स्पीड वी वन बाई थ्री है ठीक और बॉब पेंडुलम बॉब को इस प्रोसेस में इतनी स्पीड मिल जाती है कि उसने अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट किया होता है तो वी वन पूछ रहे हैं वी वन कितना होगा तो हम लगाने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना होगा तो ये एम वन वी वन और पेंडुलम की बॉब थी रेस्ट में तो हो जाएगा जीरो to, momentum, तो जो बुलेट का मास है, वो तो M1 है, और विस की हो वी वन बाई है, बुलेट का मोमेंटम और पेंडुलम बॉब का मोमेंटम कितना होगा तो मास इन वेलोसिटी और उसकी जो वेलोसिटी है जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल तो उसकी वेलोसिटी होगी अंडर फाइव जी एल तो उसकी जगह डालेंगे यहाँ पे हम अंडर रूट फाइव जी एल अब बस आपको वी वन चाहिए तो अब बहुत ही आसान है आप कुछ बचा ही नहीं है इसमें इसको इधर लेके आएंगे तो एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन बाई थ्री इट इज़ इकॉल टू टू बाई थ्री टाइम्स एम वन वी वन और वो हो जाएगा एम टाइम्स अंडर रूट फाइव जी एल के तो यहाँ से जो वी वन आएगा वो आपका आ रहा है थ्री बाई टू टाइम्स एम अपॉन एम वन अंडर रूट फाइव जी एल So your answer is, answer is B part. अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दो ब्लॉक्स हैं, उनका मास m और 2m है इस तरह की सिचुएशन दी हुई है, स्मूथ ऑरिजेंटल सरफेस पर रखे हैं एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के दिया हुआ है ठीक अब इसमें क्या है जो 2m वाला मास है इनिशियली स्प्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं है एकदम नेचुरल लेंथ में अपनी और 2m वाले मास पे हमने एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया एफ ठीक अब ये कह रहे हैं कि टी टाइम में टी टाइम तक फोर्स लगा रहा टी टाइम में जो स्मॉलर ब्लॉक था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स तो हैवियर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको बताना है तो पहले हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो अगर हम पूरा सिस्टम लेके चलेंगे तो पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा आपका थ्री एम और फोर्स है एफ तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एसलेषण आएगा एफ अपॉन थ्री एम ठीक तो टी टाइम में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा xcm डेल्टा xcm कह सकते हैं इसको तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी तो ये आपका हो गया हाफ एफ वाई थ्री एम इंटू टी स्क्वायर ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता किसके बराबर है सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ये क्वेश्चन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक मास का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है और दूसरे का पूछा है और सेंटर ऑफ मास का तो हमने पूरा सिस्टम मान के निकाल ही लिया तो बस सॉल्व हो गया खत्म ये ये कितना है तो ये दिया है आपको हाफ एफ टी स्क्वायर बाई थ्री एम ज इक्ल टू एम वन एम वन का मास एम है और उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको एक्स ऐसा कहा है उन्होंने कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉलर ब्लॉक इज एक्स ठीक प्लस M2 है प्लस एम टू का मास है टू एम और उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स टू आपको निकालना है अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा थ्री एम ठीक तो हम ऐसा करते हैं कि इस थ्री एम से थ्री एम कैंसिल आउट कर लेते हैं और एम कॉमन और, 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 और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया आपका एफ टी स्क्स एम एक्स इजल टू टू एम डेल्टा डेल्टा एक्स टू अगर निकालना है तो पूरी क्वेश्चन को टू एम से डिवाइड कर देते हैं तो टू एम यहां आ जाएगा और टू एम यहां आ जाएगा तो ये एम से एम कैंसिल आउट और यहां पे टू एम यहां आ जाएगा तो इस टू एम से टू एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल्टा एक्स टू जो आपका आया वो आपका आया एफ टी स्क् माइनस एक्स बाई टू सो योर आंसर इज डी पार्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है हमने क्या हमने ये निकाला कि सेंट्रास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और पहले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है दूसरे का निकालना है खत्म थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर प्लेस्ड ऑन द दॉरिजेंटल सरफेस ब्लॉक बी एंड सी आर एट रेस्ट बी और सी रेस्ट में और ए आइडेंटिकल है तीनों का मास सेम है और ए जो है वो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है टेन मीटर पर सेकेंड से सबका मास सेम है अब ये कह रहे हैं द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ऑल कोलिजन इज हाफ सारे कोलिजन के लिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है और सी की आपको बतानी है स्पीड आफ्टर द कोलिजन ठीक है Collision होने के बाद सी की स्पीड क्या होगी तो पहले ए और बी का लीजन सेटल करेंगे फिर बी की जो स्पीड आ जाएगी उससे फिर बी और सी का को सेटल कर लेंगे इवन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने ए और बी का कुलीजन सेट कर लिया तो उससे जो ई e के टर्म्स में आंसर आएगा बस उसी को हम बी और सी के कुलीजन में आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं ठीक तो जरा देखिए जनरल करते हैं इसको ये एम मास है वी स्पीड से आ रहा है और ये दूसरा एम मास रेस्ट में है और ई e की वैल्यू ई e ही रखते हैं ठीक तो टकराने के बाद टकराने बाद की सिचुएशन क्या हुई कि मान लिया इसके पास वेलोसिटी होगी वी वन और इसके पास वेलोसिटी होगी वी टू हम वी टू निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या बनेगी इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू एम एम कैंसल आउट हो जाएगा तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन ई की तो ई इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज वी टू माइनस वी वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज वी तो दूसरी इक्वेशन बन गई वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ई वी ठीक अगर हम दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं इसको और इसको तो ये वी वन से वी वन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो ये ट्वाइस वी टू जो आया वो आपका आया वी टाइम्स वन प्लस ई तो यहाँ से वी टू आपने निकाल लिया वी टाइम्स वन प्लस ई बाई टू तो एक जनरल ये जनरल सेटअप है कि अगर एक ब्लॉक आपका रेस्ट में है और एक ब्लॉक चल रहा है वी स्पीड से कॉफिशेंट ऑफ रेस्टूशन ई है मास से दोनों के सेम है ही कॉफिशेंट ऑफ रेस्टन ई है तो टकराने के बाद दूसरे की जो वेलोसिटी होगी वो होगी वन प्लस ई बाई टू टाइम्स वी ठीक अब ये दूसरा वाला अगर तीसरे वाले को हिट करेगा जाके ये सी सी वाले को हिट करेगा तो यही पैटर्न इसमें भी लागू हो जाएगा तो जो सी वाले की स्पीड होगी अगर मैं उसको वी थ्री लिखूँ तो वो हो जाएगी वी टाइम्स वन प्लस ई बाई टू में फिर से वन प्लस ई बाई टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी सी की वेलोसिटी बस यही आपको निकालनी है तो कितनी आने वाली है ये वी टाइम्स वी कितना दिया था वी वी टेन मीटर पर सेकेंड दिया आपको वी की वैल्यू दी है टेन तो ये हो जाएगा टेन बाई टू का स्क्वायर मतलब फोर और वन प्लस ई का स्क्वायर तो वन प्लस ई ई कितना है हाफ का स्क्वायर तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू का स्क्वायर तो ये आपका आ जाएगा टेन बाई फोर इंटू थ्री बाई टू का स्क्वायर दैट मीन्स नाइन बाई फोर सो इट इज नाइन्टी बाई सिक्सटीन तो ये फाइव पॉइंट समथिंग आपको आंसर आएगा आंसर इज ए पार्ट 5.6 मीटर पर सेकंड क्लियर इसमें क्या है यू आर सप्लाइड विथ थ्री आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड मास तीन आइडेंटिकल रॉड है हमारे पास और लेंथ मार्स सबको सेम है इफ द रॉड ऑफ इफ द लेंथ ऑफ इच रॉड इज टू पाई रॉड की लेंथ पाई दी है टू ऑफ देम आर कन्वर्टेड इन रिंग्स दो को बैंड करके हमने रिंग बना दिया ये देखिए दो रॉड को हमने बैंड करके क्या बना दिया रिंग बना दिया और थर्ड रॉड ये नीचे रखी हुई है इस तरह से रॉड की लेंथ दी है टू पाई इफ पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन ए को आपने क्या मानना है ओरिजिन तो सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा क्या होगा ठीक है और एक्स एक्सिस जो है ए बी जो है वो एक्स एक्सिस है तो पहली बात तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एकदम बीचों बीच मिलेगा तो रॉड की लेंथ अगर टू पाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको मिलेगा पाई तो पाई के दो आंसर हैं एक सी और एक डी तो इन दोनों में से एक आंसर मिल सकता है या तो सी होगा या डी होगा ठीक है अब जरा देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है तो वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा इनके सेंटर वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है उससे तो ही होगा ठीक है अगर ये नीचे रॉड नहीं होती अगर ये दोनों सिर्फ रिंग्स होती तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में होता है एकदम एक्जैक्टली बीच में रेडियस की हाइट पर होता लेकिन नीचे एक और रॉड रखी हुई तो वो सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा नीचे खींच लेगी तो वो कितनी होगी तो वो समझिए रेडियस पहले निकालेंगे तो सर्कम जो होगी टू पाई आर वो इसकी लेंथ के बराबर होगी और लेंथ टू पाई के बराबर है तो रेडियस तो आपकी आ गई वन मीटर रेडियस कितनी आ गई वन मीटर इसका मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वन से कम होना चाहिए तो ये भी वन से कम है और ये भी वन से कम है ठीक है ये भी वन से कम है और ये भी वन से कम है तो हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है देख लेते हैं वाई कॉर्डिनेट वाई सी एम ही निकाल लेते हैं बस ठीक है एक्स सी एम तो आपको पता लग गया तो वाई सी एम जो होगा वो हो जाएगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री इसी तरह से जोड़ते जाना है तीन है आपके पास अपॉन तीनों का मास तीनों का मास हो जाएगा थ्री एम तो जरा डालते हैं वैल्यू एम वन एम है वाई वन कितना है तो ये जो रॉड है इसका वाई कॉर्डिनेट तो यही है एक्सीएम यहां एक्सीएम यही इसका सेंटर वाई सी एम तो क्या हो जाएगा जीरो तो पहले वाले का हो गया जीरो प्लस एम टू का मास एम, और उसका y आर के है, आर वन है और दूसरी रिंग का भी, भी बराबर है आर वन है अपॉन टोटल मास कितना है थ्री एम तो ये आपको वाई सी एम आ गया टू बाई थ्री सो योर आंसर इज डी पार्ट इसमें क्या एक ऑब्जेक्ट है उसमें एक यूनिफॉर्म रिंग है आर रेडियस की एक आर रेडियस की यूनिफॉर्म रिंग है और एक यूनिफॉर्म कॉर्ड है ठीक अभी पूछ रहे हैं इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ नहीं हो सकता तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिंग का सेंटर ऑफ मास तो होगा यहां और कॉर्ड का सेंटर ऑफ मास होगा यहां और इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों के बीचों बीच बीचों बीच -वीच तो नहीं कह सकते लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ही होगा कहीं ना कहीं बीच में ही होगा ठीक है कहाँ होगा बीच में तो कुछ चीज़ें मैं कह सकता हूं सिंस ये वाई इजक्ल टू एक्स लाइन है बीचों बीच तो जो भी उसका सेंटर ऑफ मास का कॉर्डिनेट होगा उसका एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट दोनों बराबर होगा ये बात समझ में आई आपको ठीक तो इसमें तो सब में ही बराबर है दूसरी बात उसका एक्स कॉर्डिनेट किससे छोटा होगा और किससे बड़ा होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ समझिए कैसे जरा देखिए अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये आधा आधा बांट देगा यानी जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आर बाई टू से छोटा होगा और जैसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये भी आधा आधा बांट देगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी आपका आर बाई टू से छोटा होगा यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आर बाई टू से दोनों ही छोटे होंगे ठीक तो आर बाई टू से ये भी छोटा है ये भी छोटा है तो ये दोनों तो सेंट्रो मास हो सकते हैं लेकिन ये सेंट्रो मास नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये वैल्यू आर बाई टू से बड़ी है तो और यही पूछ रहे हैं कौन सा सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ मास सो योर आंसर इज बी पार्ट बी पार्ट आपका सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता ये आर बाई टू कॉमा आर बाई टू पॉइंट अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये वो ये वाला पॉइंट आएगा ये होगा इस पॉइंट का नाम होगा आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू क्या वहां सेंटर ऑफ मास होगा चांस ही नहीं है ठीक